हाँ तो गाइस आज मेरा रैंक पुशिंग का पहला दिन था। पहले ही दिन पे भाई तुम्हारा भाई आग लगाने के लिए आज उगा था कि भाई बिल्कुल ही अपने को भाई अब तो करना ही है भाई कॉन्कर, क्योंकि तुम्हारा भाई को चार सीजन का एक्सपीरियंस हो चुका है कॉन्कर के लिए, और ये अपना पांचवा सीजन था कॉन्कर लगाने के लिए। एक बार मैंने तीन बार अपना सोलो में लगाया है, एक बार डुओ में लगाया, एक बार स्क्वाड के अंदर ट्राई करा था पर नहीं हो पाया था। और अभी तो यहाँ पर एक बंदा आता है, सबसे पहले उसको निपटाते हैं अपन और यहाँ से लूट करके निकलते हैं। इस बंदे को एसी की तेजी चलेगी, तो नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस बंदे को पहले मैं मारता हूँ फटाफट से, ये इसको मैंने मारता हूँ और सीधा यहाँ से लूट करके निकलते हैं। हाँ तो मैंने ठीक ठाक लूट कर ली थी और मैं यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर मुझे बहुत दूर थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा ही दूर यहाँ से 100-200-500 मीटर दूर मुझे बाइक मिलती है, मैं बाइक लेकर निकलता हूँ। और क्योंकि मैंने आसपास में कोई व्हीकल नहीं दिखा, मेरे को पता था भाई थोड़ा दूर आना पड़ेगा। और रैंक पुशिंग के टाइम क्या रहता है कि सबसे मेन तो अपना व्हीकल रहता है, और व्हीकल जो होता है ना अपना, जैसे कि मेन भाई रैंक सोलो रैंक पुशिंग की मेन व्हीकल होती है बगी, भगवान की होती है भाई बगी भाई। पर कभी कभी धोखा दे जाती है, अगर पीछे का डर फूटेगा तो समझ लो गेम ख़त्म है। और भाई बगी यार क्या ही बोलूँ, अलग ही भाई रिश्ते जुड़े हुए रैंक पुशिंग के साथ बगी के, तो भाई क्या ही मतलब बेस्ट व्हीकल है। अगर आप सोलो रैंक पुशिंग कर रहे हो ना भाई, इतनी सिंपल है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़े टिप्स देता हूँ सोलो रैंक पुशिंग कॉन्कर लगाने की। बहुत आसान है कॉन्कर लगाना, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप एक बार लगाओगे ना, अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस उठ के बाहर आ जाएगा कि भाई अब तो मैं राजा बन चुका हूँ कॉन्कर का, अब तो लगा ही देंगे। तुम्हारे भाई को भी पहले बहुत टफ लगता था कि भाई ये क्या चीज़ है, लिटरली भाई क्यों नहीं लगता है। और तुम्हारे भाई ने चौथी बार जैसे मतलब पहली बार लगाया तो भाई तुम्हारी देख रहे हो ये चौथी बार लग रहा है, ये पाँचवीं बार में मैं लगा दूंगा, मेरे को पूरा भरोसा है मेरे ऊपर। और आपको भी अगर लगाना हो ना, मैं तुमको बता रहा हूँ सबसे सिंपल ट्रिक है। पहले तो यहाँ से पहले टिप बताने से पहले अपन यहाँ से निकलते हैं और फटाफट पहले लूट करके यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ टिप। हाँ तो भाई मैं यहाँ से निकल चुका था और मैं यहाँ आ चुका था क्योंकि मुझे एक व्हीकल चाहिए थी, और व्हीकल लेके तुम्हारा भाई यहाँ से निकलता है। और सबसे पहली सोलो टिक मैं आपको टिप बताने वाला हूँ, सबसे पहली टिप आराम से कर लो भाई, आराम से, कोई जल्दी नहीं, माइनस लगे कोई टेंशन नहीं। 50 का माइनस लगा ठीक है भाई, 100 का लगा भाई ठीक है कर लेंगे प्लस, चिंता बिल्कुल नहीं। पहला रूल है भाई, एक रूल भाई लिख लो कहीं पर भाई, अगर रैंक पुश करनी है ना 100 का लगे 1000 का लग जाए माइनस नहीं टेंशन लेना। जब भी यहाँ तक भी अपन आए ना भाई, यहाँ तक भी अपन आए ना तो मतलब आगे भी जाएंगे, क्यों चिंता लेनी। और दूसरी टिप आराम से खेलना, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं करने का अपने को भाई, जब तक भाई 30 बंदे नहीं बचे, चलो 30 बंदों के बाद अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि अब थोड़ा अपने को थोड़ा आगे निकलना चाहिए, थोड़ा आगे आगे निकलो, तो भी सामने से कभी रश मत करो, ये चीज़ मेरा मानना है भाई। सामने से रश करोगे समझ लो कम से कम 70% तो बंदे के सामने जीती हो गई, वो भी अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो 50-50 का चांस तो भी होगा, 50% चांस हो जाएगा, मतलब कि वो 50 वो मारेगा 50 आप मारोगे तो भी, मतलब रश तो मैं करता ही नहीं हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत कम रेयर, बहुत रेयर चांस, आखिरी चांस होते तो मैं रश करता हूँ। और यहाँ पर फटाफट पहले इस बोट को मारता हूँ भाई, साला ये देखो कितना तरसाता है मुझे ये बोट भाई, घुमा घुमाते साला पता नहीं कहाँ निकल जाता है, यहाँ मिलता है, एक गोली के अंदर ख़त्म करते हैं इसको और यहाँ से भी अपन निकलते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा भाई थोड़ा आराम से ही खेल रहा था क्योंकि मुझे पता था जो कि भाई मेन फाइट जो होती है, जो मतलब जहाँ पर बंदे अटक जाते हैं, जैसे कि सब भाई 30-40 तक तो आराम से आ जाते हैं, मतलब 30-40 बंदों तक, उसके बाद की जो लॉबी होती है ना भाई, सब बसते सब बोर्ड ख़त्म हो जाते हैं गेम से, सब बसते ओरिजिनल, जहाँ जाओ वहाँ बंदा ओरिजिनल, और आखिरी जोन में जगह मिलती है नहीं, सब शेक वेक सारी जगह घर वर सब के अंदर बंदे रहते हैं, तो अपन कहाँ लुके हैं, मतलब कहाँ से कहाँ रोटेशन दे, कैसे रोटेशन दे, करें क्या, तो भाई वो चीज़ मेन चीज़ होती है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कैसे रोटेशन देता हूँ मैं। मैं तो भाई बिल्कुल आसानी से रोटेशन देता हूँ, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं रोटेशन लगाना भाई, बस दिमाग लगाओ भाई सब कुछ हो जाएगा, और बिल्कुल आराम से भाई बिल्कुल मैं रोटेशन देता हूँ और आराम से गेम भाई निकाल देता हूँ याला भी, और मतलब अच्छा खासा मतलब प्लस निकल जाता है इस गेम में भी अपने को। और बस याले गेम के अंदर भाई थोड़ा बहुत किल निकल जाते हैं, अभी बहुत सारे बंदे आते हैं इसके अंदर, और भाई तुम्हारा भाई पिटता भी एक बार बहुत खतरनाक वाला एक बंदे से, और बाकी तो क्या ही बताऊँ भाई, याला गेम बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा खासा प्लस देता है मुझे। और अभी भाई तुम्हारा भाई करंट अगर आप बात करो तो करंट में अभी अपना प्लेटिनम पे चल रहा हूँ, बस जल्द से जल्द भाई तुम्हारा डायमंड क्राउन एस और कॉन्करर लगाएगा। और अब मैं थोड़े डेली गेम प्लेस अपलोड करने की सोच रहा हूँ, बाकी तो भाई अब चलो अपन थोड़ा आगे और बढ़ते हैं भाई, 34 बंदे बचे हैं, थोड़ा और आगे का गेम प्ले मैं बताता हूँ कि आगे आपको मतलब कहाँ से कैसे रोटेशन देने, क्योंकि आखिरी जोन में रोटेशन ही मेन चीज़ होती है जो अपने को भाई आगे प्लस के लिए ले जाती है, क्योंकि 30 के पहले अगर आप मरोगे तो आपका माइनस ही होना ज़्यादातर, तो अगर आप डायमंड के ऊपर हो तो डायमंड पर अगर आप पहुँचोगे ना
और अगर 30 के पहले मरोगे तो आपका माइनस ही होगा, जीरो किल करके। अगर 3-4 किल करके तो मरोगे तो एक आध दो प्लस का हो जाएगा, एक आध दो का प्लस हो जाएगा, बाकी तो मेरे को लगता नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक जगह बताता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया जगह है ये, मैं बहुत प्यारी जगह लगती है इसको। ये रूइंस के अंदर आपको आना है और रूइंस के अंदर यहाँ पर मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया जगह है। थोड़ी गाड़ी अंदर लगा देते हैं अपन और फिर मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये देखो इधर एक जगह है, देखो पहले तो ये पेटी खोल लें, ऑप्शन दे दे फिर एसी की तेसी। ये पेटी खोल के मैं कह रहा हूँ कि ये उजी निकली भी हट दो सेकेंड को, यहाँ पर कुछ एक बार कुछ हो नहीं, नहीं नहीं कुछ भी लूट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ सबसे बेस्ट जगह रूइंस की। देखो भैया आप देखो ये नेट उठा लो दो सेकेंड, बस अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये होल्ड करने के लिए। यहाँ पर अगर आपका जोन बन रहा तो यहाँ आप होल्ड कर सकते हो, इजी चांसेस है कि आप यहाँ पर अगर बंदा आएगा तो उसको पता नहीं पड़ेगा कि आप इधर हो। और इधर एक पीछे एक और जगह है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पर अभी अभी तो अपन यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करते हैं भाई। हाँ तो भाई जोन कट गया था, जोन ऐसा कटा है देख लो, और अभी अपन यहाँ से पहले फटाफट रोटेशन देंगे। और मैं अभी यहीं पर ही रूइंस के अंदर ही बैठा हूँ, यहाँ पर स्कूल की तरफ जोन कट गया, अपार्टमेंट की तरफ। मैं यहाँ पर भाई पहले तो दिमाग लगाता हूँ अपने को जाना किधर है, और यहाँ से अपन फटाफट निकलते। थोड़ी देर मैं सोच रहा था कि अभी भी 1:44 बढ़े तो मैं थोड़ा और होल्ड लेता हूँ, और होल्ड लेते 30-40 जब सेकंड बचेंगे या तो 20-30 बचेंगे तब अपन निकलेंगे। यहाँ पर तुम्हारा भाई ऐसा रोटेशन देता है कि देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर पहली बात तो भाई अपन यहाँ पर अपन जोन अपना आ चुका था, 30 बचे थे तो मैं निकल चुका था। अब 6 बचे मतलब जोन चालू ही हो गया 6 का, अब जोन चालू ही हो गया अपना। और अपने को मेरे को यहाँ से क्या है कि स्कूल वाली साइड से थोड़े ज़्यादा बंदे रहते हैं, थोड़ा मैं यहाँ से इस स्कूल और रोजो खेल के बीच में से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ से चांसेस कम रहते हैं कि स्कूल वाला मार पाए और रोजो खेल वाला मार पाए। अगर दोनों फायर करें तो भाई भगवान बचा सके अपने को, पर एक फायर करेगा तो अपन बच सकते हैं। और आगे की तरफ अपन फटाफट में यहाँ पर रोटेशन दे ही रहा था कि मेरे को फायर आता है और पास में फायरिंग होती है, फायर क्या आता है मेरे पास में फायरिंग होती है, मेरे को लगा वो मेरे ऊपर फायर करेगा पर नहीं करता बंदा, अच्छी बात है याली बहुत। और अपन यहाँ पर फटाफट में कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढनी थी, बस वो लोकेशन ढूंढनी का थी, मैंने सोच रखी थी कोई याली लोकेशन पर आना है। और यहाँ मैं फटाफट से यहाँ पर अपनी दिखल तो चेक कर लेता हूँ कोई है कि नहीं, मुझे लगता है कोई नहीं है तो मैं गाड़ी अंदर ले आता हूँ फटाफट से, और गाड़ी वहीं से अंदर आएगी अपनी वो जो रास्ता है, और यहाँ होल्ड करता है थोड़ी देर। क्योंकि यहाँ पर मैं हर घर में नेट खींच के देख लेता हूँ कोई है कि नहीं ऊपर। यहाँ पर एक पहले बग्घी आती है, इसको बंदे को मैं उतारता हूँ फटाफट बग्घी चलती गाड़ी से, और यहाँ पर अब अपन आराम से होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अपने को कोई अब टेंशन नहीं है भाई। यहाँ पर मैं भाई होल्ड करने ऊपर आ ही रहा था कि उतने में बग्घी आ जाती है, अब यहाँ पर आराम से अपन होल्ड करेंगे। यहाँ पर बंदे अपने अपने रोटेशन लगा रहे थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, और मैं समझ चुका था कि यहाँ पर मतलब अपन टॉप 10 में आने वाले हैं। मैं समझ गया था एक ही सेकंड में अपन टॉप 10 में आ जाएंगे, और टॉप 11 भी पहुँच गए अपन। यहाँ पर थोड़ी सी अपन एक इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि अपने को अब आगे बढ़ना था, और बस अब 35-40 में मैं सोच रहा हूँ निकलने का, पर मैं फिर भी एक स्मोक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर गए गाड़ी कभी कभी ठुक जाती है, और अगर सामने कोई हील पर बंदा टाइम कर रहा हो तो अपने को ईजिली उतार सकता है वो, तो इसलिए मैंने एक स्मोक कर दिया। थोड़ा सा कवर मिल जाएगा स्मोक से, उस बंदे को मारने में थोड़ी सी तकलीफ होगी और अपन यहाँ से निकल जाते हैं। हरी की चिंता चुके बाकी यार ठीक है भाई, अब रोटेशन देते। पहले तो मेरे को स्पीड बंदे की पेटी लूटने की इच्छा हो रही थी, अब भी मैंने बोला भाई रिस्क लेके अपन लूट लेते, आप मत लूटना क्योंकि भाई मैंने तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लिया, अगर सामने अगर बंदा तो कोई होता तो मुझे ख़त्म कर देता भाई क्या ही बोलूं। और बस फटाफट से भाई इसकी बंदे की मैं पेटी लूट के यहाँ से निकलता हूँ। हाँ तो मैं अभी यहाँ पर जोन के अंदर एंटर कर चुका था, और यहाँ पर भाई चारों तरफ भाई देखो गाड़ियाँ लगी हुई थी, सब बंदे इधर उधर लेटे पड़े थे, पीछे बंदा लेटा हुआ था एक, और मेरे को बस एक लोकेशन ढूंढनी थी, लोकेशन जो कि मिल नहीं रही थी बढ़िया सी लोकेशन। मेरे को यहाँ पर शेक दिखता है, मेरी इच्छा होती है रुकने की पर मैं नहीं रुकता क्योंकि चारों तरफ फायरिंग हो रही थी और मेरी फटा रही थी भाई यहाँ रुकूँ मैं। यहाँ पर मुझे हल्की सी जगह मिलती है पर भाई वो भी मुझे जगह अनसेफ लगती थोड़ी सी, फिर मेरे को ये शेक ही दिखता है आखिरी ऑप्शन, ये शेक ही लग रहा था तो मैं शेक पर रुकता हूँ, और अपन यहीं पर थोड़ी देर होल्ड करते हैं भाई। पहले तो मैं स्मोक करके इसके अंदर तेल डालूँ भाई, क्योंकि तेल नहीं था अपनी गाड़ी के अंदर भाई, अब तेल भी डालना ज़रूरी है ना भाई, तेल नहीं डालूंगा तो काम कैसे चलेगा, पर ठीक है गाड़ी कैसे चलेगी, काम तो छोड़ो गाड़ी कैसे चलेगी। टॉप नो के अंदर तुम्हारा बंदा आ चुका, तुम्हारा भाई आ चुका था, तुम्हारा बंदा बंदा कर रहा हूँ भाई, तुम्हारा भाई आ चुका था। और यहाँ से फटाफट अपन मैं भाई पेट्रोल डालते निकल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे पता था कि आखिरी सर्कल है, क्या अब किल नहीं निकलेंगे तो कभी निकलेंगे, तो भाई तुम्हारा भाई थोड़ा सा नूबड़ा है भाई, तो थोड़ा भाई यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी पर बच गया तुम्हारा भाई फिर भी। और भाई सब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ पर रोक दूँ गाड़ी बीच सेंटर वाली शेक पे, पर मुझे इच्छा नहीं होती थी क्योंकि एज पसंद है थोड़ा, सेंटर वाली जगह पर सब मेरे बग्घी के टायर फोड़ देंगे, इसलिए मैं सेंटर में नहीं रुकता।
और जगह ढूंढ ही रहा था कि मुझे जगह एक बढ़िया सी जगह मिलती ही है। और जस्ट देखो यहाँ पर बगी का क्या हालत होती है। जस्ट भाई अभी मैं मरते मरते बच जाता हूँ, क्योंकि पीछे भी एक बंदा कैम कर रहा है और ऐसी हालत होगी तो भाई मैं मरूंगा ही ना। और फटाफट से मैं एक लोकेशन ढूंढता हूँ, पहले जस्ट मैं इधर ही गाड़ी लगा देता हूँ, शेल्टर मिल जाता है मुझे। शेल्टर के अंदर मुझे लग रहा था बंदा है, पर मैं ऊपर ही उग जाता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था भाई कि शेल्टर के अंदर बंदा हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पर ठीक है, शेल्टर के अंदर बंदा नहीं होता और तुम्हारा भैया से फटाफट जोन निकलता है यहाँ से। कैसे मैं जस्ट यहाँ से निकलता हूँ, देखो मेरे साथ क्या अच्छा होता है। क्योंकि यार माई पर भाई मेरे को ये यहाँ पर एक बंदा था जो कि मेरे सामने भी यूएसएड लेके निकला था, और मैं यहाँ से भाई थोड़ा मेरे को जगह नहीं मिल रही थी तो मैं यहाँ पर हील की साइड लेता हूँ, नीचे वाली अपनी जो शेल्टर की नीचे वाली हील है जहाँ पर वो अपना एक बड़ा सा बंगला टाइप जिसके अंदर दुकान है उधर साइड, और इधर एक सामने एक शेख जो है ना उसके अंदर बंदा था। और भाई ये मेरे साथ क्या करता है देखो एक बार बताओ। यहाँ पर बगी के सस्ते नशे और तुम्हारा भाई डेड। आज की वीडियो देता है, मैं मिलता हूँ गणेश में, तब तक बाय एंड पीस आउट।